अफसोसनाक, मैं तो कहूँगा हमला हुआ है, क्योंकि मौलाना तकी उस्मानी साहब की शख्सियत एक बहुत ही टावरिंग एक पर्सनैलिटी जो नस्ल से बालातर और उनकी हर मकतबा फिक्र के लोग इज्जत की निगाह से एहतराम की निगाह से देखते हैं। आज जुमे के दिन वो बैतुल मकरम में मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ रहे थे कि ये आप देख रहे हैं नीपा चुरंगी, जैसे ही ब्रिज पे अभी हम मजीद एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, कहते चार दो मोटरसाइकिलों पे चार लोग ने हमला किया, उनकी दो गाड़ियां थी, उनके साथ जो पिछली गाड़ी थी जो उनके साथ ही चलती थी उसमें मौलाना आमिर शहाब साहब वो थे, वो शदीद ज़ख्मी हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं जना हॉस्पिटल में, उनके साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड था, वो उसने जामे शहादत नोश किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कराची का अमन वापस आ रहा है, ऐसी शख्सियत को टारगेट करना, ये एक जो फ़िरका वारियत की थोड़े बहुत इंसिडेंट हुए पाँच छः महीनों में कराची में, ये हम उसको एक कंटिन्यूशन नहीं समझते, जो हमारी सरे दस इनिशियल हमारी जो हमारी प्रोब है ये एक हम समझता हूँ एक साजिश थी। हम समझते हैं कि दुश्मन ने वहाँ पे वार करने की कोशिश की है कि जिससे अमन अमान ख़राब हो, क्योंकि इससे हर मकतबा फिक्र का लोग डिस्टर्ब होता, इससे आम शहरी भी मुतासर होता, खुदा न खासा अगर वो हिट होते ही, और हर मकतबा फिक्र के, मैं कहूँगा कि हर मकतबा फिक्र लोग इनसे प्यार करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हर चीज़ से कुल कितनी हलाकतें इसमें हुई हैं, और मौलाना साहब की गाड़ी में क्या फैमिली उनकी थी क्या? जी हाँ, इसमें अभी तक जो है ना एक हमारा पुलिस का जवान शहीद हुआ है फारूक, दूसरा सनोबर खान जो सिक्योरिटी गार्ड था प्राइवेट वो शहीद हुआ है, उसके साथ जो आमिर शहाब साहब थे वो ज़ख्मी हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं, इसी तरह सरफराज जो मौलाना साहब के साथ ड्राइवर था वो भी ज़ख्मी है, वो अभी तक स्टेबल है उसकी कंडीशन, अभी तक समझें दो शहादतें हुई हैं। हमलावरों ने दोनों गाड़ी को टारगेट किया है, पहले जो जिसमें मौलाना तकी उस्मानी साहब थे उसको भी हिट किया है, वो निकल के हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि उनका ड्राइवर उनको उधर ले गया, दूसरी गाड़ी में जो उनकी उनकी सिक्योरिटी के लिए दूसरी गाड़ी जो चलती थी, दुश्मन ने यह सोचा कि किसी एक गाड़ी में हो सकते हैं, उन्होंने दोनों को हमला किया, इस वजह से हम समझते हैं उन्हीं को टारगेट किया गया है।